इंदौर का देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया है और अब यहाँ से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ान भरेगी और ये इंदौर वासियों के लिए बड़े ही गर्व की बात है। साथ ही एक और गर्व की बात ये भी है कि इस फ्लाइट को इंदौर का ही बेटा उड़ा कर ले जाएगा। शहर के एयरपोर्ट पर 15 जुलाई से दुबई के लिए फ्लाइट शुरू होने जा रही है। उसे इंदौर के ही पायलट कमांडर सुनीश भार्गव उड़ाएंगे। दिल्ली से वो ही इस विमान को लाएंगे और यहाँ से दुबई जाकर वापस लौटेंगे। सुनीश भार्गव इंदौर के ही हैं और उन्होंने यहाँ के फ्लाइंग क्लब से पायलट की ट्रेनिंग ली है। जब उन्हें ये पता चला कि शहर से दुबई के लिए फ्लाइट शुरू होने वाली है तो उन्होंने संबंधित विभाग से विमान को उड़ाने की अनुमति मांगी। उन्होंने बताया कि वैसे तो वो सैकड़ों बार विमान लेकर दुबई जा चुके हैं और दुबई उनका ससुराल भी है, इसलिए उनके लिए ये सिर्फ ससुराल जाने जैसा है। साल 2005 से एयर इंडिया में सुनीश हैं और कुछ सालों से वो दिल्ली में रह रहे हैं। वे 3 दिन दिल्ली, इंदौर, मुंबई के लिए फ्लाइट लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि उन्होंने इंदौर एयरपोर्ट का जो विकास देखा है वो विकास देखकर उन्हें अच्छा लगता है। उन्होंने ये भी बताया कि वे इंदौर में ट्रेनिंग के रूप में विमान उड़ाते थे और अब वो खुद पायलट की ट्रेनिंग देते हैं। सुनीश ने बताया कि दुबई एयरपोर्ट दुनिया का सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट है और वहाँ पर निकलना और पहुँचना समय से होता है। आपके विमान की जरा सी देरी के कारण वहाँ का पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। बाद बाद में सुनीश ने अपने ट्रेनिंग के दिनों को भी याद किया और कहा कि पहले एयरपोर्ट पर बहुत कम विमान थे और एयरपोर्ट सुबह और शाम खुलता था। तब मैं सोचता था कि यहाँ किसी दिन विदेशी विमान भी उड़ेगा और आज मुझे ही इसे ले जाने का मौका मिल गया है और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और ये बात मुझे बहुत ही रोमांचित कर रही है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इंदौर से इंटरनेशनल फ्लाइट 15 जुलाई को उड़ान भरने वाली है और इंदौर एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट की श्रेणी में आ गया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।